बिल्कुल सही, नमाज बहुत पढ़ रही है अपने। तो उम्र साहब से पूछते हैं, उम्र का कैसा लगा? मुझे लगता है उम्र का तो रात जा रहा है, उम्र गुस्से में बैठे हुए हैं। उम्र साहब कैसा लगा रहा है? रोजा और क्या, तो इन दोनों के अच्छे जा रहे हैं तो मेरा भी अच्छा जा रहा है। ठंडा मौसम इसकी वजह से मैं प्यार। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या चला? यकीन आप सही हो गया। आज का ब्लॉग इधर से शुरू, ब्लॉग शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों कल की मारी शायरी थी घर में, आज की शायरी मारी है नानुगढ़। तो टाइम जो हो चुका है इस वक्त 3:13 और नीचे बन रही शायरी मारी। और आज उस्मान भी रोजा रख रहा है, उमर भी रोजा रख रहा है और मेरा बड़ा भाई रोजा रख रहा है, नानाबू नानो भी रोजा रख रहे हैं। ठीक है, तो शायरी बन रही है, शायरी में आ जाए मेरे ख्याल से पराठे और दाल और दही। ठीक है, तो यहाँ से ब्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम बैक इन न्यू ब्लॉग। चलते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, मुंह धोते हैं, फिर आपसे मिलते हैं फ्रेश फ्रूश होकर। दोस्तों ब्रश वगैरह कर लीजिए, फ्रेश फ्रूश हो चुके हैं, बिल्कुल फिट फाट हो चुके हैं। हमारे उस्मान साहब भी रोजा रख रहा है, उससे रखी जाएगा। उस्मान साहब रोजा रखी जाएगा आपसे, फिट फाट ना रख लो ना पूरा। फर्स्ट टाइम में फॉर्म रखने के, मुझे तो नहीं लगता कि फॉर्म रखा होगा, शायद रखा भी हो, मुझे कुछ पता नहीं, बट फॉर्म का मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम में होगा, है ना? तकरीबन तो रख लोगे ना, बस घबराना नहीं, शादी अच्छी रात में करनी है। और बस 5 सुबह तो मैं 11 बजे उठना तकरीबन, बाद शाम को बस 18 के बाद थोड़ा सा होता फील होता है कि प्यास रखती, बाकी सब कुछ दिन अच्छा गुजरता है। ठीक है, तो आपसे सैरी करके मिलेंगे और सैरी में आपको बताया था पराठा और दाल है, दाल और दही, दो तीन चीजें ये आइटम तो सैरी करते हैं, सैरी करके आपसे मिलेंगे। ठीक है सुना था, आप ही करो सैरी करके मिलेगी, फिट हो जाओ। चलो जी नीचे चलते हैं, सैरी करके मिलेगी आपसे। भाई जान आपकी सैरी भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है और अभी जाने उड़ी है, अब हम नमाज पढ़ने लगे हैं, नमाज पढ़ लगे हमें सो लेना है और आप सब सुबह ही मुलाकात होगी। ठीक है, सुबह ही आपसे मिलेंगे। तो मतलब भाई जान ये रात अभी अभी या रात जो बात थी कि सुबह 7-8 बजे, तो सुबह आपसे मुलाकात है कि इधर माँ तुम हो। भाई जान सुबह हो चुकी है यार, हम सवेरे 5:00 तकरीबन 45 मिनट में सैरी शुरू करें सो गए थे, तो अब जब उठे तो टाइम जो हो 12:30, इतनी लेट हम उठे तो बस आँख लग गई थी, लेट हो गए। तो अब मैंने कपड़े सही करने हैं, आ जाए जुम्मा, तो जुम्मा भी पढ़ने जाना है, बहुत काम है, कपड़े सी करके नहाना धोना भी, जुम्मा पढ़ने जाना है, जुम्मा पढ़ के आ रहा है भी। ठीक है, तो कपड़े सी करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके को हम गर्म काढ़े कपड़े सी करते हैं। ठीक है, तो भाई जान ना हाथ हो रही है, फ्रेश फ्रूश हो चुके यार, बड़ा मजा आया ना हाथों पर है। आज मौसम भी यार था वो ठंडा, बारिश बुरी हो रही है, ये आपको खा देते हैं, ये देखो मौसम भाईजान ठंडा ठंडा, फिर भी मैं ना लिया, बस सुनून बहुत मिला है। तो भाईजान जुम्मे का टाइम हो गया, जुम्मा पढ़ने चलते हैं, जुम्मे में आ गए बहुत हम लेट हो चुके, तो 1:13 हो चुके, तो जल्दी जल्दी हम जुम्मा पढ़ते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है, जुम्मा पढ़कर आपसे मिलेंगे। तो भाईजान जुम्मा वगैरह हम पढ़ के आ चुके हैं, जुम्मा वुमा पढ़ लिए। ठीक है, तुम्हारे साथ मौजूद उस्मान साहब, उस्मान साहब कैसा रोजा से जा रहा है, फर्स्ट टाइम रखा रहा है, उस्मान साहब कैसा रोजा रहा है आपका? बिल्कुल सही, नमाज मुझ पढ़ रही है अपने। तो उम्र साहब से पूछते हैं, उम्र का कैसा लगा रहा है? मुझे लगता है उम्र का तो रात जा रहा है, उम्र गुस्से में बैठे हुए हैं। उम्र साहब कैसा लगा रहा है? रोजा और क्या, तो इन दोनों के अच्छे जा रहे हैं तो मेरा भी अच्छा जा रहा है। ठंडा मौसम इसकी वजह से मैं प्यास भी उसको नहीं लग रही, अब खैर बादल बुदल आए हुए, बारिश तो बहुत नहीं हुई है ना, शहरी टाइम इतनी बारिश हुई थी, बादल खड़के इतनी ज्यादा हुई थी, हाँ हम रात शहरी कर रहे, इतने बड़े बादल खड़के हम सारे डर गए। तो
अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं। तुम्हें कर रहे हो एंजॉय, तुम्हें कर रहे हो एंजॉय। वो जब भी लगातार सुनते लग रहे थे उसको, तो हाँ वो ड्रामा देख रहा था, उसको ड्रामा में स्वभाव चाहता नहीं है तो याद है। वो जब पैदा हो रहे, पैदा होते ही ड्रामा देखने लग गया था। जब पैदा हो रहे तो फोन पकड़ा दिया था, ड्रामा देखने लग गया। बाजार में बात के गार्डन गार्डन में आए, छत में ऊपर आए तो मौसम बहुत ही ठंडा है और बारिश होने लग गई है। ये सब क्या लोग तो तारी में भी तकरीबन कहना डेढ़ घंटा रह गया तो माशाल्लाह बारिश होने लगी है। आज भी दूसरे रोज भी अच्छा हमारा रोजा गुजर रहा है, तो उम्मीद है कि अल्लाह करे कि सारे रोजों में ऐसे ही मौसम रहे और ऐसे रोजे हमारे गुजरे, ठीक है। तो फैसलाबाद में बारिश हो रही है फुल जोर जोर से, तो नीचे चलते हैं और असर की नमाज का टाइम हो रहा है, असर की नमाज करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। क्या क्या आज मन रहा है वो भी मुझे पहले पूछना है। मैं अभी आया हूँ सीधा छत में आ गया, मौसम दिखाया आपको, तो नीचे चलते हैं भाई। क्या बारिश होते की तेज हो, तेज देख सकते हैं आप लोग। तो मैं नीचे जाने लगा था तो तेज हो गई बारिश, तो मैं भी इधर खड़ा हूँ, बारिश हल्की और कपड़े रंगील हो जाए, ये देख सकते हैं फुल तेज बारिश हो रही है। वाह क्या मौसम है यार, क्या मौसम है, दिल जीत लिया, माफ करो माफ करो, क्या मौसम है। तो नीचे अगर नीचे आपको भाई जान असर के हमने नमाज पढ़ ली है और कुछ ही देर में मस्जिद की अज़ान हो जानी है और रोज़ा तारी हो जानी, ठीक है। तो हम फिर छत में आ गए, मौसम देख रहे हैं बारिश अब खत्म हो गई, बारिश बहुत नहीं हो रही और मौसम बहुत जगह साफ और अब हवा चल रही, बस ठंडा हुआ हुआ था। तो उस्मान मारे साहब जूता उस्मान चढ़ा रहा है पतंग, जो कि रोज़े के आते हैं पतंग चढ़ा रहा है। उस्मान रोज़ा लग रहा था नहीं तो अच्छा लग रहा है, तो ठीक है भाई उस्मान ने पतंग फिर चढ़ा दी, वो देख सकते हैं आपको काफ़ी काफ़ी दूर बिता दी है उस्मान पतंग। तो नीचे तैयारी हो रही है बता दी की आज तारी में जो है वो है क्या है, चाट है और साथ चिप्स है और ये चीज़ें है, दो चीज़ें शरबत है और खजूर है। और खाने में आज जो बना रहा चिकन वाले चावल, तो ये हमारा शेड्यूल है, ठीक है। तो ये दो चार आइटम है, चाट खजूर दमशीरी चिप्स और चिकन वाला चावल। तर 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 तो नीचे जाने लगे हम कुछ देर में, थाली हो जानी है अभी तकरीबन लगा रहा हूँ, अभी हुआ मेरे ख्याल से टाइम 6 बज गए, आधा घंटा रह गया, आधा घंटे देख कर इफ्तारी हो जानी है। तो मुझे तो इतनी भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, क्या ठंडा मौसम है, इतनी प्यास भी उतनी लग रही। तो मैं तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि रोजाना इस तरह का मौसम हो, हवा वाला ठंडा ठंडा मौसम, जिसे हम रोजे सारे रख सकें, ठीक है। तो नीचे जाकर मिलते हैं आपसे, ओके ओके। तो मुझे जिम्मेदारी दे दीजिए शरबत बनाओ, उमर कर ला जी खजूरों का काम, तो अब मैं बनाऊंगा शरबत। तो चल पानी डाल दी है और हमने अब डालनी चीनी, चीनी डालेंगे हम, चीनी आधी डोंगी हमने चीनी डाल देनी है, ये देख सकते डाल दी है चीनी। अब चीनी को अच्छी तरह हम हलाएंगे, ठीक है, ये हलाने लगे हम अच्छी तरह हलाएंगे। शरबत मेरे हाथों का सबको पसंद आएगा, ठीक है। तो शरबत उमर का शरबत भी कट्टे डालो, शरबत में हम डालेंगे आधी डोंगी। तो शरबत माशाल्लाह जो हमने खाया था पिछले व्लॉग में जो है शरबत है, तो हम शरबत डालेंगे आधी डोंगी, ये गई आधी डोंगी, ठीक है। आप शरबत डालेंगे आराम से यहाँ रख देते, ये देख सकते कितना प्यारा है, देते हुए तो बनने लगे है। ये बन रही है दामी खीरी, अच्छी बात लाएंगे और ये बन गए दाम खीरी के अंदर भर डाल देंगे और नींबू डाल देंगे, ठीक है।
दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा रोजा भी खैर किए पूरा हो चुका है, हमने इफ्तारी कर ली है वो और नमाज मौजूद पढ़ी है। इस वक्त उमर उस्मान नमाज पढ़े, दे सकते हैं तो उमर उस्मान नमाज पढ़े, तो हमने नमाज पढ़ ली है। तो यहाँ से ब्लॉग पढ़ते एंड, यकीन आपको आज का ब्लॉग पसंद आया वो आज की रूटीन पसंद आई होगी, आज का डे पसंद आया उस ब्लॉग पर लाइक और जल्दी जल्दी कमेंट्स और शेयर और जल्दी जल्दी चाहिए अपना सब्सक्राइबर मुकम्मल कर दो जल्दी यार जल्दी, अब वो तब कर जल्दी जल्दी कहो और हमारी डेली ब्लॉग स्टार्ट हो गई अब से, ठीक है। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ का नया ब्लॉग आएगा इंशाल्लाह।